हेलो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक और अच्छा सा क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया था जिसमें एक पॉइंट गिवन था प्लेन पे। अभी हम करेंगे प्लेन पे दो पॉइंट गिवन है और पैरेलल टू द लाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको क्या है। एक प्लेन है, इस प्लेन पे दो पॉइंट्स गिवन है। तो मान लेते हैं वो जो दो पॉइंट है वो ये है 1, 0, -1 3, 2, 2। सभी को पता है कि प्लेन की इक्वेशन में हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। ये प्लेन का नॉर्मल है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड गिवन नॉर्मल। अगर किसी प्लेन पे एक पॉइंट गिवन है और उसका नॉर्मल गिवन है जिसके डी आर ए बी सी है नॉर्मल के, तो उसकी इक्वेशन यह होती है। तो ये सभी को फॉर्मूला याद आना चाहिए था। अब ये जो प्लेन है पासिंग दिस पॉइंट, तो हम इसमें एक्स वन की जगह वन पुट कर देते हैं, वाई वन की जगह जीरो, जेड वन की जगह -1। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन हो गई। अगर हमें इसमें यहाँ पे ए बी सी मिल जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, कौन से 3, 2, 2। तो इसलिए हम इस पे एक्स की जगह 3 पुट कर देते हैं, y की जगह 2 और z की जगह 2। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल रही है 2a + 2b + 3c = 0। इसको हम सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन और चाहिए। ये जो प्लेन है किसके परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, हमें ये देखना है। प्लेन पैरेलल टू दिस लाइन, ये जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल है ना। और इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसके डी आर क्या हैं, इसके डी आर क्या हैं, 1, -2 एंड 3। तो बिल्कुल इजी सी बात है कि अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा जिसके डी आर 1, -2, 3 हैं। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो हम इसमें परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा देंगे a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ प्लेन इज
पैरेलल टू लाइन कौन सी लाइन के पैरेलल है? एक्स माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन माइनस टू, जेड माइनस टू अपॉन थ्री। देयर फोर जो नॉर्मल है प्लेन का परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ये आई माइनस टू जे प्लस थ्री के है ना, क्योंकि आई माइनस टू जे माइनस थ्री क्या है? इसके पैरेलल वेक्टर। ये हमें लाइन में पढ़ना चाहिए था, लाइन में पढ़ा होगा आपने। तो ये जो हमारा नॉर्मल है इसको भी हमने एन वेक्टर ले लिया, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाली इक्वेशन हम दोबारा से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ के बजाय मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जिन स्टूडेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता है वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बार जरूरत पड़ती रहती है। क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं ये तीनों वेरिएबल ए बी बी पे माइनस और सी। फिर हमें क्या करना होता है, जब हमें ए निकालना है तो हम ये ए वाले को स्किप कर देते हैं, इसको नहीं देखते, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स, बीच में माइनस आता है। जब हमें बी वाले को निकालना है तो बी वाले को छोड़ दो, ऐसे एरो बना देता हूँ, चलो बी वाले को छोड़ देते हैं। अब थ्री वन जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स। और जब हमें सी निकालना होता है तो हम सी वाले को छोड़ देते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। चेक कर लेते हैं, जब ए निकालना है तो ए वाला छोड़ते हैं, थ्री टू जा सिक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स। बी निकालना होता है तो बी वाले को छोड़ देते, थ्री वन जा थ्री माइनस सिक्स, ऐसी है। और इसको हम लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं, तो ए आ गया माइनस 12 लैम्डा, बी आ गया 3 लैम्डा और सी आ गया 6 लैम्डा। ए बी सी हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम ये पुट कर देते हैं, तो ए की जगह माइनस 12 लैम्डा हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लैम्डा यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डी आरस डी आरस के प्रोपोर्शनल में डी आरस ही होते हैं। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, माइनस 12x प्लस 12 प्लस 3y प्लस 6z प्लस 6। तो माइनस 12x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 18 इक्वल टू जीरो। इसको हम डिवाइड कर देते हैं माइनस 3 से, थ्री से भी कर सकते हैं। तो 4x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 6 इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जिस क्वेश्चन में दो पॉइंट गिवन है और पैरेलल टू द लाइन गिवन है। और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए बना दूंगा, जब मैं एक एक पॉइंट गिवन होता है पैरेलल टू लाइन या प्लेन कुछ भी इस तरह से। तो अभी स्क्रीन पर आपको 3D की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा 9th से 12th तक के सारे क्वेश्चंस की वीडियोज़ भी आपको चैनल पे मिल जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।